तो डेडपूल एंड वुल्वरीन ईस्टर एग्स का वो खजाना था जिसको आप जब तक खोदते जाओगे तब तक देता जाएगा, फिर चाहे वो डेढ़ फुटिया वुल्वरीन हो या फिर हल्क से लड़ने वाला। और हालांकि कैविलरीन के बारे में हम अलग से बात करेंगे बहुत ही अच्छे से। जिस सवाल ने सबसे ज्यादा परेशान किया वो था हल्क और वुल्वरीन की लड़ाई। ऑल्दो हम लोग इस बारे में पहले से ही थोड़ा बहुत अनुमान लगा चुके थे कि इस मूवी में हमें ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है, लेकिन जब उसको स्क्रीन पे होते हुए देखा तो फॉर अ सेकंड आई एक्चुअली थॉट कि क्या ये सच में विटनेस कर रहा हूं मैं। लेकिन साला जितनी जल्दी शुरू हुआ था उससे भी ज्यादा जल्दी तो खत्म हो गया। दैट इज समथिंग दैट शी नेवर सेड एंड विल नेवर से एवर। लेकिन आखिरकार ये हल्क और वुल्वरीन का फंडा है क्या? इस वाली सीक्वेंस में हमें क्या फाइट देखने को मिल रही थी, कौन जीतता कौन हारता और कॉमिक बुक्स में इसकी क्या हिस्ट्री रही है, एक एक करके सब चीजों पे बात करना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ढेर सारा कॉमिक बुक्स का ज्ञान आपके ऊपर फेंक देता हूं। आपको एक्चुअली ये बात जानकर थोड़ी बहुत हैरानी हो सकती है कि वुल्वरीन जो हम लोग मार्वल कॉमिक्स में पढ़ते हुए आए हैं उसका डेब्यू एक्समैन कॉमिक बुक्स या वुल्वरीन की कॉमिक्स में नहीं हुआ था, बल्कि हुआ था इनक्रेडिबल हल्क की कॉमिक बुक में 1974 के आसपास। एंड इट वाज एक्चुअली टू फाइट विद द हल्क। उसको इशू नंबर 180 में दिखाया गया था सबसे पहली बार और 181 में वो उससे लड़ने के लिए आ जाता है। हालांकि इन लोगों का एक कॉमन एनिमी होता है विंडिगो नाम का, जिससे पहले फाइट करते हैं उसके बाद आपस में मुठभेड़ हो जाती है। बट इस चीज से आप अंदाजा लगा सकते हो कि इन दोनों की हिस्ट्री कितनी पुरानी। एक्चुअली तो डेडपूल से ज्यादा पुरानी हिस्ट्री वुल्वरीन की हल्क के साथ में है। इनफैक्ट जब जब ये कॉमिक बुक्स में मिलते हैं तब तब इनकी लगभग हमेशा फाइट होती ही है, बिकॉज वुल्वरीन कभी भी बैकआउट करता नहीं और हल्क तो आपको पता ही कितना सटकू है। तो इस वाली कॉमिक बुक में भी ये दोनों मिलते हैं, विंडिगो से लड़ते हैं, उसको हरा देते हैं और उसके बाद इन दोनों की आपस में भी फाइट होती है, जिसको बहुत ज्यादा अच्छे से दिखाया नहीं गया था। लेकिन फिर बाद में जाकर इसका एक और एनहांस्ड वर्जन बनाया गया जिसमें हमको कुछ और चीजें दिखाई गई, लेकिन उसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा आगे बात करेंगे। लेकिन इसके बाद आती है द फेमस टॉड मैकफार्लेन वाली फाइट सीक्वेंस, जिसमें हल्क और वुल्वरीन एक बार फिर से लड़ते हैं। और इसी चीज को हमें डेडपूल एंड वुल्वरीन में भी दिखाया गया था, जब डेडपूल टॉड मैकफार्लेन की बात भी करता है और इसमें हमको वुल्वरीन अपने ब्राउन और येलो सूट में देखने को मिलता है, व्हिच वाज क्वाइट सरप्राइजिंग एज वेल। लेकिन जो चीज इस वाली सीक्वेंस में एक्यूरेट नहीं दिखाई थी वो था हल्क का कलर, क्योंकि इस वाली सीक्वेंस में हमको हल्क ग्रीन कलर का देखने को मिलता है, वेयर एज इसी सेम कॉमिक बुक में जहां से फाइट सीक्वेंस का रेफरेंस लिया गया है वहां पर हल्क का कलर होता है ग्रे। तो वुल्वरीन और हल्क एक बर्फीले मैदान में मिलते हैं जहां पर हल्क अपने अलग काम में लगा हुआ है, लेकिन वुल्वरीन को देखकर उसकी सुलग जाती है। लेकिन यहां पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि वुल्वरीन हल्क से लड़ना नहीं चाहता, वो उसके साथ रैशनलाइज करने की कोशिश करता है, बट हल्क बीइंग हल्क वो उसको पेलना शुरू कर देता है और फिर वुल्वरीन कहता है कि बस अब बहुत हो गया, और फिर वुल्वरीन अपने अंदर की बर्सर्कर रेज को बाहर निकालता है। बर्सर्कर रेज इज समथिंग जो वुल्वरीन की एक इनर्ट पावर जैसी है जो उसको एक फेरल मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म सा कर देती है। उसके दांत लंबे से हो जाते हैं और उसको कुछ नहीं दिखता, बस वो खून का प्यासा होके सामने वाले की तरफ दौड़ पड़ता है। इनफैक्ट अगर इस रेज को वो चेक में ना रखे तो वो दोस्त और दुश्मन के बीच में भी फर्क नहीं कर पाता और सबको जान से मार देता है। तो बस वुल्वरीन की बर्सर्कर रेज उस पे हावी हो जाती है और दोनों की फाइट काफी लंबे टाइम तक चलती रहती है, लेकिन वहां पर मौजूद कुछ दूसरे सुपर हीरोज उस फाइट को रोक देते हैं और फिर वो आगे नहीं बढ़ पाती। लेकिन इसका कंक्लूजन यही होता है कि हल्क ने वुल्वरीन को रगड़ दिया। आई मीन इट इज प्रीटी ऑब्वियस, वो होना भी तय बात है। हल्क उससे ज्यादा स्ट्रांग है, उससे ज्यादा बड़ा है, उससे ज्यादा मस्कुलर है। लोगन वैसे ही छोटा है, हल्क के सामने और छोटा लगता है, लेकिन उसके फेवर में बस एक ही चीज वर्क करती है और वो उसका हीलिंग फैक्टर, बिकॉज हल्क उसको जितना भी मार ले वुल्वरीन कीप्स कमिंग बैक, और एक तो वो जिद्दी भी है। लेकिन उसके हीलिंग फैक्टर को एक अच्छी खासी चोट पहुंचाई जाती है एक और इशू में, जिसको देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, एंड दैट वाज व्हेन हल्क टियर्स वुल्वरीन अपार्ट इन टू। मतलब वुल्वरीन को वो पकड़ता और दो टुकड़ों में चीर देता है। ये बेसिकली मार्वल के 616 यूनिवर्स में टेक प्लेस नहीं करती, ये कहानी है अल्टीमेट यूनिवर्स की, जिसको बाद में जाकर रिबूट कर दिया गया था। लेकिन कॉमिक बुक्स में अल्टीमेट यूनिवर्स थोड़ा सा ब्रूटल टाइप का है, वहां पर जितने भी सुपर हीरोज हैं उनके अंदर ग्रे शेड्स मौजूद है, कोई भी परफेक्ट नहीं है। जैसे 616 यूनिवर्स में सुपर हीरोज परफेक्शन की एपिटमी है, उनको देखकर आप उन्हें आइडियलाइज कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो, लेकिन अल्टीमेट यूनिवर्स में चीजें काफी डिफरेंट है। जिस तरह से हम 616 यूनिवर्स में देखते हैं कि हल्क बस एक इनरेज्ड मॉन्स्टर है लेकिन ब्रूस बैनर थोड़ा ठीक ठाक पर्सनालिटी है, वहीं पर अल्टीमेट यूनिवर्स में हल्क एक बहुत ही बुरे टाइप की वाइब देता है। मतलब इसको देखकर लगता है कि विलन है, क्योंकि उसने कितने सारे लोगों की जान ले ली है। वो इंडिया में अर्थक्वेक ला देता है, पेरिस में कई लोगों को तबाह कर देता है, सुनामी, मतलब बहुत सारी जानों के पीछे रिस्पॉन्सिबल होता है वो। और इन सारी चीजों का कारण है उसका अधूरा प्यार। उसको बेटी रॉस पसंद होती है, बेटी रॉस को वो उतना पसंद नहीं रहता, दोनों डेट करते हैं फॉर अ वाइल, लेकिन फिर वो मूव ऑन कर जाती है। और जब जब वो बेटी रॉस को उठाकर फोन करता है, ही फाइंड्स आउट कि वो किसी और के साथ में है, तो बस वहीं उसका खून खौलता है और वो हल्क में ट्रांसफॉर्म होता है, अर्थक्वेक ला देता है, कई सारे लोग की जान ले लेता है। तो इसी बात से परेशान होकर निक फ्यूरी हल्क की टट्टी लेते हैं और वुल्वरीन को कहते हैं इसको सूंघ और ट्रैक करते हुए पहुंच जा उससे लड़ने,
ये मैं मजाक नहीं कर रहा, दिस इज एक्चुअली व्हाट हैपेंस देयर। तो वुल्वरीन हल्क को ढूंढते हुए पहुंच जाता है तिब्बत में, जहां पर वो दलाई लामा से मिलने के बाद अपनी शांति से जीवन व्यतीत कर रहा है कई सारी लड़कियों के साथ में। अगर इसको शांति कहते हैं तो फिर ठीक है। लेकिन वुल्वरीन को देखते ही वो समझ जाता है कि चीजें सही तरीके से वर्क नहीं करने वाली, और फिर इन दोनों की फाइट स्टार्ट होती है जो काफी हद तक वन साइडेड है। वुल्वरीन उससे लड़ने की कोशिश करता है लेकिन हल्क उसको पकड़ता है और बीच में से फाड़ देता है। उसका एक हिस्सा कहीं फेंकता है, दूसरा कहीं और। पहले तो वो वुल्वरीन से कहता है कि मुझे पता है अगर तू अपने दूसरे हिस्से के साथ जुड़ेगा तो एक बार फिर से हील होगा और मेरे पीछे आएगा, तो इसी वजह से तेरे पास दो ऑप्शन है, मैं तेरी लेफ्ट टांग खाऊंगा या राइट टांग, अब तू चुन ले कि कौन सी टांग मुझे खानी है। क्योंकि अगर वो उसके पैर को खा गया तो फिर वुल्वरीन डेडपूल की तरह अपने ऑर्गन को रीजनरेट नहीं कर सकता। अब वुल्वरीन उसको कहता है कि नहीं, यू आर ब्लफिंग, लेकिन फिर उसको रियलाइजेशन होता है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो फिर वो सच में दोनों ही टांगे खा जाएगा, तो फिर वो अपनी लेफ्ट टांग को चुनता है। लेकिन इससे पहले कि हल्क उसको खा पाता, वहां पर किसी और की एंट्री हो जाती है एंड द फाइट गेट्स डिविएटेड। तो हल्क उठा करके उसके दूसरे पार्ट को वहां से दूर फेंक देता है, और फिर वुल्वरीन को इस बात का रियलाइजेशन होता है कि उसको अगर एक बार फिर से पूरा बनना है, अधूरे से पूरा होना है, तो उसे अपने दूसरे हाफ तक पहुंचना पड़ेगा, और वो क्लॉक करते हुए एक माउंटेन पे चढ़ता है एंड देन ही गेट्स रीजॉइन्ड। बट इस पैनल को देखकर एक सवाल और भी खड़ा हुआ, और वो ये था कि अगर वुल्वरीन का स्केलेटन एडमेंटियम से बना हुआ है जो कि एक अनब्रेकेबल मेटल है, तो आखिरकार हल्क ने उसको बीच में से फाड़ा कैसे? तो इसके दो पॉसिबल एक्सप्लेनेशन है। सबसे पहले तो ये कि जो यूनिवर्स 1610 मतलब अल्टीमेट यूनिवर्स है, वहां पर एडमेंटियम अनब्रेकेबल नहीं है, उसको तोड़ा जा सकता है, और हल्क इसका एग्जांपल पहले भी दे चुका है जो वो एक एडमेंटियम नीडल को तोड़ देता है। तो वुल्वरीन का जो स्केलेटन है वो एडमेंटियम से बाउंड होगा जरूर, लेकिन उसके बीच में भी कार्टिलेजेस होते हैं, सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं जो एडमेंटियम वाले नहीं है, और इसी वजह से उसको बीच में से फाड़ा जा सकता है अगर हल्क अपनी वाली पे आ जाए तो, जो वो आ भी जाता है। और इसी चीज को आगे जाकर 616 यूनिवर्स में भी कंफर्म कर दिया गया, जब लोगन को वहां पर भी दो टुकड़ों में चीर दिया जाता है। हालांकि ये काम करने वाला हल्क नहीं होता, वो वुल्वरीन का ही एक वेंडिगो से कर्स्ड क्लोन होता है। मतलब वुल्वरीन अपने क्लोन्स को ढूंढने जाता है और तब उसको पता चलता है कि उसका एक जो क्लोन है उसको कर्स मिल चुका है वेंडिगो का, इसी वजह से वो एक मॉन्स्टर बन चुका है। तो जब वुल्वरीन उससे मिलता है तो मॉन्स्टर उसको बीच में से फाड़ देता है, which actually proves कि 616 यूनिवर्स में एडमेंटियम अनब्रेकेबल होने के बाद भी वुल्वरीन को बीच में से फाड़ा जा सकता है। फिर इसके बाद वुल्वरीन और हल्क और भी बहुत बार लड़े हैं, जिसमें से एक प्रोमिनेंट पार्ट तो मुझे हमेशा याद रहेगा और कभी भूल भी नहीं सकता मैं, वो है वर्ल्ड वॉर हल्क की स्टोरी लाइन। वर्ल्ड वॉर हल्क में जब हल्क पूरी तबाही मचा चुका होता है, सारे के सारे सुपर हीरोज पकड़ के उनकी लुद्दी सोट रहा होता है, तब वो पहुंच जाता है एक्सपेन के पास, क्योंकि उसको पकड़ना होता है प्रोफेसर एक्सेवियर को, और तब वुल्वरीन आता है उसको बचाने के लिए। वो उठाता है वुल्वरीन को, वहां से दूर फेंक देता है, लेकिन क्योंकि वुल्वरीन के पास हीलिंग फैक्टर है तो वो फिर से आ जाता है उससे लड़ने के लिए, एंड देन हल्क रियलाइजेस कि अब बहुत हो गया, मैं इसको यहीं खत्म कर दूंगा। वो उसके ऊपर चढ़ता है और उसको मारना शुरू कर देता है, और जिसने भी वर्ल्ड वॉर हल्क पढ़ी है वो जानते होंगे कि वो वाला फॉर्म हल्क के सबसे पावरफुल वर्जन्स में से एक है। हालांकि इमॉर्टल हल्क में उसको लिटरली एक मॉन्स्टर बना के और इमॉर्टल ही कर दिया, लेकिन वर्ल्ड वॉर हल्क में उसकी स्ट्रेंथ सेंट्री मैच कर पाता है बस और कोई नहीं, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि वो वुल्वरीन की क्या हालत करेगा। लेकिन चीजें एक और ट्विस्टेड टर्न ले लेती है ओल्ड मैन लोगन यूनिवर्स में, जिसका मेन विलन हल्क ही होता है। मतलब ओल्ड मैन लोगन की कहानी का तो मेन विलन हल्क ही है। ये काफी डार्क स्टोरी लाइन है क्योंकि पूरा का पूरा यूनिवर्स ही डार्क है, काफी फ्यूचर में टेक प्लेस करती है, सारे के सारे सुपर हीरोज मर चुके हैं, विलन्स ने दुनिया को टेक ओवर कर लिया है, और उसमें हल्क ने कई सारे बच्चे पैदा कर लिए शी हल्क के साथ। हाँ, वो लैनिस्टर पना इसने भी शुरू कर दिया। तो शी हल्क के और इसके जितने भी बच्चे हैं वो सारे के सारे हल्क होते हैं, और वो लोगन को परेशान करते हैं जो कि वॉयलेंस नहीं चाहता किसी भी कीमत पे। वो लोगन के घर पे हफ्ता वसूली करने आते हैं, और जब उनको अपना माल नहीं मिलता तो वो उसके बच्चे और बीवी को मार के चले जाते हैं। लोगन अनफॉर्चुनेटली तब घर पे नहीं होता, व्हेन ही कम्स बैक ही फाइंड्स आउट, और उसका हो जाता है रेज मोड ऑन। वो एक एक करके जितने भी हल्क के बच्चे हैं, जो कि एक्चुअली बच्चे नहीं मिनी हल्क हैं, उनको मारता चला जाता है। फाइनली जब उसकी ब्रूस बैनर से फाइट होना शुरू होती है तो हल्क उसको पकड़ के पूरा खा जाता है, नहीं लिटरली ही ईट्स लोगन अलाइव। और लोगों को ऐसा लगेगा कि बस कहानी खत्म, पैसा हजम, लेकिन हल्क वुल्वरीन को हजम नहीं कर पाता, बिकॉज लोगन उसके पेट में जाके एक बार फिर से हील होता है और पेट को फाड़ के बाहर निकल आता है। और देखो, ऐसे वुल्वरीन और हल्क के अल्टरनेट यूनिवर्सेस में बहुत बार एनकाउंटर्स हो चुके हैं, जैसे माइस्ट्रो जो हल्क का एक अल्टरनेट वर्जन है, मतलब फ्यूचर का वर्जन है, उससे ओल्ड मैन लोगन की फाइट होती है,
क्योंकि वो दोनों अलग अलग टाइम में फंस जाते हैं। और पहले तो माइस्ट्रो उसको बहुत ही बुरी तरह से रगड़ता है क्योंकि उसके पास अपना पुराना हीलिंग फैक्टर उतने एफिशिएंटली काम नहीं कर रहा होता। लेकिन फिर हमारे लोगन को वो लोगन मूवी वाली दवाई मिल जाती है, उसको लगाता है, अपने हीलिंग फैक्टर को रिजुविनेट करता है और माइस्ट्रो की गर्दन उड़ा देता है। नाउ आई एम श्योर आपको इस पॉइंट तक ये तो समझ में आ ही चुका होगा कि वुल्वरीन और हल्क की फाइट में कौन जीतेगा ये डिसाइड सिर्फ एक ही इंसान करता है और वो है उस वाली कहानी का राइटर। एंड इसी वजह से वो काफी सारी क्रिएटिव लिबर्टीज को भी ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल माइस्ट्रो को जान से मार दिया, इन स्पाइट ऑफ अस नोइंग कि इमॉर्टल हल्क में हल्क अपने आप को रीजनरेट कर सकता है, उसके शरीर के टुकड़े करके उसको अलग अलग भी कर दिया जाए तो भी वो एक साथ जुड़ के बन सकता है पूरा का पूरा। बट यार क्रिएटिव लिबर्टीज हमेशा ली जाती है, जिसको जिताना उसको जिता दिया जाता है। बट द इंटरेस्टिंग पार्ट इज डेडपूल एंड वुल्वरीन का ये वाला सीन, क्योंकि इसमें हम लोग वुल्वरीन को उसी ब्राउन एंड येलो सूट में देखते हैं जिसको टॉड मैकफार्लेन ने लिखा हुआ था। और जब इस सूट को इंट्रोड्यूस करवाया था तो इसके पीछे बस एक ही पर्पस था और वो ये था कि कुछ चेंज लेके आना और वुल्वरीन को वुल्वरीन जैसा लुक देना, मतलब वुल्वरीन जो जानवर एग्जिस्ट करता है वैसा उसको दिखाने की कोशिश करी थी। प्लस इसके पीछे ये भी रीजन दिया था कि वुल्वरीन कनाडा की सीक्रेट सर्विस में जाकर उनके साथ काम करने की कोशिश करता है, अपने पुराने पापों को धो रहा होता है, तो उसको एक डिफरेंट लुक चाहिए होता है जो उसकी बसरकर पर्सनालिटी के साथ ज्यादा मैच करे। नाउ अगर इस बारे में बात करी जाए कि ये पूरी की पूरी सीक्वेंस एमसीयू के लिए क्या मायने रखती है, मतलब हमको क्या आगे कभी वुल्वरीन वर्सेस हल्क देखने को मिलेगा, तो आई थिंक यस, बिकॉज जितना मैंने सुना है तो मार्वल एक वुल्वरीन और हल्क की मूवी पे काम कर रहा है जो शायद बहुत ही जल्दी प्रोडक्शन स्टेजेस में भी जा सकती है। पहले तो जब मैंने इस खबर को सुना आई वॉज डैम एक्साइटेड, मुझे लगा कि भाई मजा ही आ जाएगा, वुल्वरीन और हल्क की मूवी कौन नहीं देखना चाहता। लेकिन फिर मैंने सोचा कि आखिर इसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, क्योंकि अगर एमसीयू के एंगल से इसको देखने की कोशिश करी जाए तो इट काइंड ऑफ डज नॉट मेक सेंस, बिकॉज एमसीयू में उनका खुद का वुल्वरीन तो अभी है नहीं, जिसको वो प्रोबेबली सीक्रेट वॉर्स तक इंट्रोड्यूस भी नहीं करने वाले। वहीं दूसरी तरफ ह्यूज जैकमैन का वुल्वरीन एग्जिस्ट करता है एक दूसरे यूनिवर्स में, उससे भी ऊपर हल्क फिलहाल एमसीयू में जिस स्टेज पर है मुझे नहीं लगता कि वो वुल्वरीन से वो सैवेज वाली फाइट कर भी पाएगा। तो टाइमलाइन वाइज अगर देखा जाए तो चीजें डेफिनेटली फिलहाल मेक सेंस तो बिल्कुल भी नहीं कर रही, लेकिन अगर मार्वल वाले चाहें तो इसको बहुत ही स्मार्टली एग्जीक्यूट किया जा सकता है। और उसका तरीका है एवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स के बीच में इस मूवी को डबका कर, क्योंकि हम लोग को पता है कि डूम्सडे में अपने डूम भाई आएंगे और कोई ना कोई लंबा चौड़ा कांड तो करेंगे जो सीक्रेट वॉर्स तक खींचेगा और उसके बाद एमसीयू का स्ट्रक्चर पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। अगर ये लोग कॉमिक बुक्स को ही फॉलो करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली डूम भाई बैटल वर्ल्ड का क्रिएशन करेंगे, जहां पर जितनी भी सारी टाइमलाइंस हैं, जितने भी सारे अलग अलग यूनिवर्सेस हैं, वो कन्वर्ज होकर बस बन चुके हैं, बस नहीं मतलब एक प्लैनेट बन चुके हैं जिसको डूम रूल कर रहा है। तो अगर सारी की सारी टाइमलाइंस कन्वर्ज हो चुकी है तो ह्यूज जैकमैन का वुल्वरीन और ये वाला हल्क एक साथ आ चुके हैं, तो बस लड़वा दो इनको, एक पिक्चर बना दो पूरी की पूरी। एंड ऑफ कोर्स हल्क और वुल्वरीन की फाइट पे एक पूरी मूवी नहीं चलाई जा सकती, इतना कंटेंट ही नहीं है, क्या दिखाओगे आप? तो बैटल वर्ल्ड का इस्तेमाल करते हुए आप दूसरे सुपर हीरो सुपर विलन्स को भी इसमें लेके आ सकते हो, बिकॉज मल्टीवर्सल शेनानिगंस तो हो ही रहे। अब द ट्रिकी पार्ट इज कि इस मूवी को क्या आप PG-13 रखोगे या फिर रेटेड R, क्योंकि बाकी सारी चीजें तो चल जाएंगी लेकिन वो जो वुल्वरीन का बीच में से फटने वाला सीन है उसको देखने के लिए लोग थिएटर में कई बार जा सकते हैं। बट द कैच इज उसको आप PG-13 में दिखाओगे कैसे, वुल्वरीन का खून सुनहरा करके? लेकिन डेडपूल एंड वुल्वरीन इस बात का साक्षात प्रूफ है कि आर रेटेड मूवीज कितना तगड़ा बिजनेस कर सकती हैं। जोकर को बीट करने वाली सबसे बड़ी आर रेटेड मूवी बन चुकी है, तो अगर डेडपूल एंड वुल्वरीन में भी ये इसी रास्ते पे जाने का फैसला करते हैं तो आई विल नॉट बी सरप्राइज। लेकिन जो चीज मुझे सरप्राइज करती है वो है आपका सब्सक्राइब ना करना, तो लाइक करो और सब्सक्राइब, पता ही है तुम लोग को, पता तो है करते नहीं हो, लेकिन बाय।